बोलिए। मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों, आज बड़े ही खुशी का दिन है। इस दिन पर ही हमारे देश की महान नेता कर्मठ सुजोग और देशभक्त तथा कानून का ज्ञाता बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। दोस्तों, इनकी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई थी। वह थी आम जनताओं को अधिकार दिलाना और आम जनताओं को भी बड़े छोटे और नीचे तबके के लोग को ऊपर उठाना। दोस्तों, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसे कानून का निर्माण किया जिसे हम लोग आज पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। दोस्तों, यह दिन बड़ा ही उपयोगी एवं बहुत शुभ दिन माना जाता है। इन्होंने एक वरिष्ठ वकील होते हुए आम जनताओं को दुख दर्द को अपने तहे तहे दिल से अनुभव करते हुए विधान को बनाए और अधिकार को हम लोगों को दिलाए। बड़े छोटे दूध जाति को मिटाने के लिए बहुत बड़े कानून बनाए, जिस कानून के आधार पर आज हम लोग हमारे देशवासी भारतवासी चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। बहुत बहुत I will like call to Uma Shankar to about some lines from Baba Ambedkar. बाबा भीमराव अम्बेडकर का आज जन्मदिन है और 14 अप्रैल है। इनका जन्मदिन आज से ही, मतलब इससे पहले भी कई बार मनाया गया है। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किए हैं और आगे भी इनके संविधान जो लिखे हुए हैं, जो विश्व के सबसे बड़ा संविधान है और भारत का जो संविधान है वो सबसे अच्छा संविधान है। इसमें न किसी के लिए गरीबी और अमीरी देखा गया है और सबके लिए संविधान बराबर लिखा गया है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के रहने से ही ये दिखाया गया है और इनका आज जन्मदिन है। मैं उनको आज भी बहुत बधाई देना चाहूँगा और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आज का दिन डॉक्टर साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को जिसे मनाया जाता है 14 अप्रैल को जन्मदिन का, बहुत ही अच्छा दिन है आज का और प्रत्येक दिन है। ठीक है, और कोई हमारे काबिल दोस्त कुछ बोलना चाहेंगे भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में? इसी के साथ हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन बहुत ही खुशी के साथ मनाए हैं और हमारे देश में और भी कई जगह मनाया जा रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किए हैं और मुख्यमंत्री जी और कितने भी राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं, उन सभी का जो मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, जो भी है, वो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के जी के बारे में आज जो जन्मदिन है उन्होंने मनाया है और उनके बारे में बताया भी है और हम लोग भी खुशी के साथ मनाए हैं और हो सके तो मैं अगले बार इससे भी अच्छा मनाने का कोशिश करूंगा। इसी के साथ सभी दोस्तों को उनके जन्मदिन का शुभकामनाएं और इसी के साथ हम लोग यह पूजा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।